हम सबको ग्रंथ दे रहे हैं, गाड़ी का नॉक किया तो उन्हें खोला, देखा था उनके पास दारू थी हाथ में। बोले क्या है? मैंने बोला कि भाई ये ग्रंथ दे रहे हैं सबको, गीता दे रहे हैं। कहते दे दो, दे के रख ली। मैंने बोला अरे यार भाई साहब इसका कुछ देना भी पड़ता है। कहते क्या देना पड़ता है? बोला यार इसकी कोई सेवा भी होती है। कहते क्या सेवा होती है? मैं 100 रुपये। कहता ले, किशन जी ने गीता अर्जुन को फ्री बोली थी, ये पैसे मांग रहा है। कह रहा चल भाई चल आगे चल यार। मैं यार देखो यार भाई पैसे जमा वमा करने बने, माना नहीं। कहता तो मैं समझ गया कि ये यार ऐसे देगा नहीं। मैंने बोला कि हाँ शाहजी बिल्कुल सही बोले तो थी, हाँ कि गीता तो फ्री बोली गई थी हैं, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसके पैसे कौन देगा? कह रहा यार रिकॉर्डिंग हुई थी, गीता की रिकॉर्डिंग हुई थी। मैं हाँ बिल्कुल। कह रहा अच्छा तो रिकॉर्डिंग के कितने पैसे होते हैं? मैं कह 100 रुपये। कहना चल यार तू रिकॉर्डिंग के पैसे ले ले। तो 100 रुपये रिकॉर्डिंग के दे दिए। तो मैं जाने लगा तो दूसरा जो उसके साथ था वो हंसने लगा, कहता वाह तुझे बुद्धू बना गया। कह रहा मुझे बुद्धू बना गया कैसे? कह रहा देखो, कह रहा रिकॉर्डिंग के पैसे कौन सी कंपनी थी जिन्हें रिकॉर्ड किया था? तो उन्होंने बोला हाँ यार ये बात तो सही है। ओ इधर 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 पड़े। कह रहा तू मुझे बुद्धू बनाया? कह रहा रिकॉर्डिंग की कौन सी कंपनी थी जिन्हें रिकॉर्ड किया? तो मैं कह चलो अंदर खोलो अंदर खोलो। अंदर खोला मैं कह देखो BBT यही कंपनी से जिन्हें रिकॉर्ड किया। कह रहा है BBT अच्छा यार। कह रहा बड़ी पुरानी कंपनी है यार। कहना हाँ यार देखो 5,000 सालों से रिकॉर्डिंग कर रही है। क्या यार बड़ी ताज्जुब की बात है, कंपनी इतनी पुरानी है लेकिन हमने कभी नाम नहीं सुना। तो दूसरा कहता यार नाम तो जरूर सुना होगा लेकिन यार सुबह से दारू चल रही ना भूल गए। उसके बाद ग्रीन लाइट होगी चले गए।